लिस्ट हो गया, ठीक है। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। प्री कैम्ब्रियन आपने देख लिया, इसके बाद पैलियोजोइक। जैसे कहा गया, बताया गया कि इसका टाइम पीरियड कितना अपने पास, जियोलॉजिस्टों ने बताया लगभग 34.2 करोड़ वर्ष, यानी आज से 24 साढ़े 24 करोड़ वर्ष पहले तक ये जाए था। अब इसका नाम पैलियोजोइक रखा गया, पैलियो प्लेटियोलॉजी से लिया गया, फॉसिल्स विज्ञान से, अर्थात इस समय के जो जीव जंतु आए थे अधिकतर उसमें से क्या जीवाश्म में परिवर्तित हो गए, जीवाश्म में अनजीवाश्मी रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, तो नाम रख दिया गया पैलियोसोइक। अब देखो जो ये बंटवारा किया गया कैम्ब्रियन, ऑर्डिविसियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन, नाम याद करने में तो थोड़े अनट्रेडिशनल है, भारतीय संस्कृति से नहीं है तो अजीब सा लगता है, लेकिन अगर यहाँ के जियोलॉजिस्ट होते तो कुछ नाम अपने अनुसार देते। वास्तव में इस जितने भी नाम हैं इसमें अधिकतर वहाँ के ब्रिटेन के जनजातियों या किसी स्थल विशेष का नाम दिया गया है, यूरोप से दो हैं। अब इनमें देखो क्या क्या परिवर्तन हुआ, वहाँ पिछली क्लास में हमने बोला कि हमने देखा कि प्री कैम्ब्रियन हलचल हो चुकी है, सागर में जंतु लगभग जो अकशेरुकी हैं वो आ चुके हैं, लगभग जो भी फंडामेंटल है, और शैवालों का प्रभाव वहां पर बढ़ रहा है, और शैवाल एक ऐसी जैव विविधता की इकाई है जो हमें स्टेब्लिश करने में या पूरी जैव विविधता के विकास में सबसे प्रमुख भूमिका आरंभ से ही निभा रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जितना भी ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है इस वायुमंडल में, जो निचला वायुमंडलीय भाग है जहां हम सर्वाइव कर रहे हैं, उसका अधिकतर भाग समुद्री शैवाल देते हैं। किसके द्वारा? बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। अब ये विकास का क्रम आगे बढ़ता चला गया, तो सबसे पहले जीवों की बात करें, या मान लो हलचल जो थी प्री कैम्ब्रियन वहीं से शुरू करते हैं, वो अब थोड़ी बहुत क्या हो चुकी है, हल्की हो चुकी है। वहां प्री कैम्ब्रियन में जो पर्वतों का हमने नाम लिया वो तो सत्य है, लेकिन भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि अपनी अरावली भी उसी समय विकसित हो चुकी है। अब कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन हलचलें थोड़ी हल्की फुल्की हैं, हालांकि ज्वालामुखियों का के विस्फोट का या भूकंपीय घटनाओं का दौर अभी भी जारी है, लेकिन जैसे ही सिलूरियन आता है यहां एक बहुत बड़ी हलचल आरंभ हो गई, और माना जाता है कि भूगर्भिक इतिहास की सबसे शक्तिशाली हलचल थी, जिसका नाम दिया गया कैलिडोनियन हलचल। क्या नाम दिया गया? कैलिडोनियन हलचल, कैली कैलिडोनियन ओरोजेनेसिस सेकेंड, यानी कैलिडोनियन हलचल। इसका नामकरण स्कॉटलैंड के कैलिडोनिया पर्वत के नाम के आधार पर कर दिया गया। अब देखो ये हलचल सिलूरियन से लेकर परमियन की शुरुआत तक जारी थी, या कार्बोनिफेरस के अंदर। इस हलचल के कारण क्या हुआ, उस समय जो सतही, कहने का मतलब जो भू सतह पर जीव जंतु पादप वगैरह थे, अधिकतर जगह भ्रंशन की प्रक्रिया हुई, जो प्लेटों का संचलन उस समय भी जारी था, यानी एक तरह से भूगर्भिक प्रक्रिया हुई, तो बड़े से जीव जंतु ने पादप वगैरह सतह के नीचे समा गए, और वही धीरे धीरे जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हुए, और बड़े पैमाने पर दफन इस काल में हुआ, जो पादप वगैरह नीचे दफन हो गए, और धीरे धीरे ताप दाब के कारण कालक्रम में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को अपनाते हुए वो कार्बन कहने मतलब एक तरह से कोयले में परिवर्तित होने लगे, या अन्य प्रकार के जीवाश्मी ईंधनों में। तो ये दूसरी हलचल है, पहली हलचल प्री कैम्ब्रियन एंड सेकेंड क्या होगी, कैलिडोनियन हलचल, इनका भी क्रम पूछा गया। अब जीव जंतुओं में क्या हो रहा है, शैवालों का विकास चल रहा है। इसका विकास चल रहा है शैवाल बोले तो एल्गी, देखा है एल्गी अक्सर दिख जाती है जहां पानी वगैरह गिरता है, वहां देखो फिसलन होती है, जिसको आप क्या बोल देते हो, कार्बोनिफेरस।
आई। तो यहां पर ये विकास का क्रम चल रहा है और सिलूरियन तक आते जाते अब स्थलीय पादप आने लगे, जो सामान्यतः जिसको कहा जाता है मॉस। अभी दिमाग में ये रखना, ब्रायोफाइटा एक समूह है वनस्पति का, वो आ गए। जंतुओं में क्या चल रहा है कि जंतु यहां तक आते हैं, जैसे कहा जाए कि कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन से पूर्व ऑर्डोविसियन, मान लो ऑर्डोविसियन से कैम्ब्रियन तक भीमकाय महासागरी जीव आ गए, जिसमें बड़े आकार के ऑक्टोपस और स्क्विड, एक जंतु होता जिसको कहते हैं स्क्विड, वो आ गया, जिसकी भुजाएं 16-17 मीटर लंबी और 6-8 मीटर चौड़ी थी। आप जानते हैं ऑक्टोपस सामान्यतः दिख जाते हैं। और इसी समय कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविसियन तक जाते जाते प्रथम कशेरुकी का सागर में उदय हुआ, यानी फर्स्ट वर्टिब्रेट, यानी प्रथम कशेरुकी। कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा गया कि प्रथम कशेरुकी जीव कब आया, प्रथम कशेरुकी यानी रीढ़ की हड्डी वाला, फर्स्ट वर्टिब्रेट, क्या लिखेंगे, फर्स्ट वर्टिब्रेट या कॉर्डेटा कब आया यहाँ पर, और वो क्या था, जॉलेस फिश, बिना जबड़े वाली मछली। मछली तो देखा है ना, बिना जबड़े वाली मछली का उदय हो जाता है इस समय, जिसको हम क्या बोलेंगे, बिना जबड़े वाली मछली। अब मछलियों का विकास क्रम चल रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब आवश्यकता के अनुसार लोग जीव जंतु अपने आप को परिवर्तित करने लगे, जैसी आवश्यकता वैसे वैसे अपने अनुकूलन के लिए उन्होंने अपने अंगों का विकास आरंभ कर दिया। अब यहां तक तो मछलियों का प्रभाव चल रहा है, फिशेज का, सिलूरियन तक जाते जाते और प्रभाव हुआ, और डिवोनियन में तो पूरे महासागर में सिर्फ मछली मछली का ही क्या देखा गया, प्रभाव देखा गया। इसलिए इस संपूर्ण एज को नाम दिया गया, डिवोनियन काल को नाम दिया मछलियों का युग, एज ऑफ फिशेस, यानी मछलियों का युग। अब देखो कहा डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन यानी श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन आवश्यकता के अनुसार होता है और उनकी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी आवश्यकता वैसी प्रक्रिया वैसा स्ट्रगल करेंगे तो हम बढ़ते चले जाएंगे, चाहे मानव हो या जीव जंतु। अब महासागर में मछलियों का क्या है प्रभाव है, तो छोटी मछलियां संघर्ष कर रही हैं, तो इसी समय मछलियों से ही परिवर्तित होकर एक ऐसा जीव आया जो जल में भी सर्वाइव कर सकता और स्थल पर। इन जीवों को नाम दिया गया उभयचर, जैसे मेढक होता। तो इसी समय उभयचरों का क्या हुआ, उदय हुआ। किसका उदय हुआ, उभयचर का। तो प्रथम उभयचर भी आ गया, क्या आया, प्रथम उभयचर यानी एम्फीबियस, इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट एम्फीबियस, फर्स्ट एम्फीबियस जो जल और स्थल दोनों पर निवास करता था। अब इनका प्रभाव बढ़ा, क्योंकि अब अगर दुश्मन जल में है तो स्थल पर, स्थल पर है तो जल में, एक तरह से लाइक माना जाए कि उस समय के लिए ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी एक तरह से सर्वोत्तम हो चुके थे, और कार्बोनिफेरस तक जाते जाते अब इनका प्रभाव हो गया। तो इनको कहा गया उभयचरों का युग, कार्बोनिफेरस को नाम दिया गया उभयचरों का युग, उभय ऐसे लिख लेते हैं, उभय चरों का युग, एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ एम्फीबियंस। ये उभयचरों का प्रभाव चारों तरफ वही। और इसी समय और भी जब उसमें संघर्ष हुआ, अंतरजाति अंतरजाति संघर्ष है, तो अपने आप को परिवर्तन करने की क्षमता आते आते कुछ जानवर अपने आप को ऐसे विकसित कर लिए जैसे रेंग कर चलने वाले जीव, जिसको सरीसृप बोलते हो, यानी रेप्टाइल्स।
तो पहले रेप्टाइल का भी उदय हुआ यही। कौन? फर्स्ट रेप्टाइल। जैसे छिपकली फर्स्ट रेप्टाइल आया, आने प्रथम सरीसृप, और उसकी पहचान किस जानवर के रूप में की गई? तो वैज्ञानिकों ने बोला कि प्रथम जो सरीसृप आया सतह पर वो था सेमूरिया। क्या था? सेमूरिया। जीव का नाम है जो लगभग छिपकली के जैसा दिखाई देता है, नाम क्या है? सेमूरिया। चलो थोड़ा बहुत सेमूरिया। तो प्रथम सरीसृप भी आ गया। अब इस समय तक परमियन के लास्ट तक जाते जाते बड़ी बड़ी छिपकलियां आने लगी, जिसको हम बाद में क्या नाम दे दिए? डायनासोर। तो भूगर्भ शास्त्रियों का, बेसिकली जीव वैज्ञानिकों का मानना है इस समय जो डायनासोर आए उसमें अधिकतर जलीय प्रकृति के थे, क्योंकि जल का, जल में शिकार उनको मिलता था। क्योंकि यहां पर माना गया कि जलीय डायनासोर, क्या डायनासोर उत्पन्न हुए? एक्वाटिक डायनासोर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एक्वाटिक डायनासोर का की उत्पत्ति हो गई। यानी आप देखो इतने फैक्ट हैं, हलचल जो शांत हुई, हल्की फुल्की चल रही है, लेकिन सिलूरियन में दूसरी हलचल शुरू हुई। नाम क्या दिया हमने? कैलिडोनियन हलचल। क्या नाम दिया? कैलिडोनियन हलचल। नामकरण किसके आधार पर किया गया? कैलिडोनिया पर्वत के नाम पर, स्कॉटलैंड के। और ये खतरनाक हलचल थी, कब तक चली? परमियन के शुरुआत तक। प्रथम कशेर किया गया, बिना जबड़े वाली मछली विकास होता गया, डिवोनियन तक मछलियों का प्रभाव चला, तो मछलियों का युग। पादपों में यहां मांस आ चुका है, यहां पर फर्न आ जाएंगे। फर्न, यहां से विकास शुरू हो जाएगा। किसका? फर्न का। पादपों पर, कहने का मतलब इसमें ग्रुप आता है टेडोफाइट्स के, आगे निकल जाएंगे और यही पर जिम्नोस्पर्म पर बड़े 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 पादप भी अब आने लगे स्थलीय, जिसमें स्टेम, मतलब रूट, स्टेम, लीफ सब आने लगे। लेकिन अभी अपने विकास के प्रथम चरण में है। इसमें है विकास के प्रथम चरण में। अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते चले गए। यहां पर जिसे कार्बोनिफेरस है, एक अद्भुत फर्न आया जिसका नाम दिया गया ग्लासोप्टेरिस। क्या नाम दिया गया? ग्लासोप्टेरिस। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। कहां आया? इस कार्बोनिफेरस में एक वनस्पति आया जो कि वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में प्रमाण के रूप में लिया था या अध्ययन के रूप में। नाम क्या है? ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस, ग्लासोप्टेरिस। और धीरे धीरे जो नाम लिया टेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्मिक पौधे यहां पर आने लगे। मौलिक ये है। अब इसके बाद आगे चलेंगे। जैसे कार्बोनिफेरस का अंत होता है, परमियन की शुरुआत होती है, तो कुछ समय तक मान लो कि हलचलें थोड़ी हल्की हुई, लेकिन तीसरी हलचल शुरू हुई जिसका नाम दिया गया हरसीनियन हलचल। क्या नाम दिया गया? हरसीनियन हलचल की शुरुआत परमो कार्बोनिफेरस में होती है। तो यहां हम नोट कर लें और ये चलेगी अगले कल्प तक, मैं बताऊंगा। क्या नाम लिखेंगे? तीसरी हलचल हरसीनियन हलचल। ये चलती रही हरसीनियन ओरोजिनेसिस, हरसीनियन ओरोजिनेसिस। इसका नामकरण नोट कर ले, इसका नामकरण जर्मनी के हार्ज पर्वत के नाम पर किया गया। इस हलचल का नामकरण जर्मनी के हार्ज पर्वत, किसके नाम पर? हार्ज, हार्ज पर्वत के नाम पर किया गया। और ये लगभग जुरैसिक तक चलती रहेगी। तो ये मौलिक तथ्य को आप दिमाग में रख लेंगे, बाकी आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लियर हो गया पैलियोज़ोइक। अब हम चलते हैं सीनोज़ोइक की तरफ।
कैम्ब्रियन के बाद पैलियोजोइक, पैलियोजोइक का काल अवतारी काल मतलब कि जो काल था टाइम पीरियड 34.2 करोड़ ईयर्स तक। अब इसके बाद विकास का क्रम और आगे चल रहा है और तीसरा ईरा हमारे पास आ गया जिसका नाम हम रखेंगे मेसोजोइक। क्या नाम रखेंगे? मेसोजोइक ईरा। इसका जो कालक्रम है 18.3 करोड़ ईयर्स तक, आज से 6.5 करोड़ वर्ष तक ये जारी रहा। अब इस ईरा में होता क्या, देखो इसमें भी विविधताएं चल रही है, ये तीन भागों में बन जाएगा। जैसे पहले हमने डिवीजन किया था, इसमें भी नंबर 1, 2, 3 ऊपर से नीचे से ऊपर लेंगे, 1 नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला आएगा जैसा कि आपने किया था त्रियासिक, इसके बाद जुरासिक, इसके बाद क्रेटेशियस। अब देखो हलचलों में देखा जाए तो कुछ भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि कई किताबों में तो स्पष्ट दिया नहीं कि जो हर्सिनियन हलचल थी, क्या नाम दिया गया था? हर्सिनियन ओरोजेनेसिस, यानी हर्सिनियन हलचल तीसरी है, हाज पर्वत के नाम पर रखा गया नाम का। तुम कई भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि यह परमियन में ही फिनिश होगी, लेकिन कई लोगों का मानना है जो अब आ रहा है वो लगभग जुरासिक तक चलती रही। ठीक, तो ये हलचल। अब जीवों के विकास में हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो अब जो जिम्नोस्पर्मिक पादप हैं जिसमें पाइन है, साइकस वगैरह जो हैं, ये पूर्णतः विकसित हो चले, यानी ये विकसित हो रहे हैं और धीरे धीरे जुरैसिक तक आते आते पुष्पी पादपों की शुरुआत हो जाती है एंजियोस्पर्म स्थल पर। लेकिन जीवों में डायनासोर विकसित हो गए, भीमकाय डायनासोर। कहने का मतलब कि जुरासिक कल तक आते आते मांसाहारी शाकाहारी, कहने का मतलब मांसाहारी डायनासोर और शाकाहारी दोनों प्रकार के डायनासोर अपने विकास के चरम पर है, अनेक कार्निवोरस और हर्बीवोरस। शाकाहारी जो डायनासोर है जैसे टायरोसॉरस वगैरह काफी विशाल काय होते थे, फिल्म वगैरह में देखा होगा काफी 20 से 25 मीटर तक किसी की लंबाई चलती थी, फीट से लेकर मीटर तक, और जब वो चलते थे तो कंपन होने लगता था। अब मांसाहारी भी आ गए, तो यहां तक तो डायनासोरों का क्या रहा, प्रभाव रहा डायनासोर। तो एक क्रम लेते हैं, डायनासोर का विकास का क्रम यहां से चलता जा रहा है, यहां विशाल काय, चारों तरफ डायनासोर, टाइप्स ऑफ डायनासोर, अलग अलग प्रकार के उड़ने वाले भी डायनासोर आ चुके हैं, जलीय भी है, स्थलीय भी है, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, और एक विकास का क्रम चल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि प्रकृति सबको नियंत्रित करती है, प्रभाव ज्यादा था। मगर वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रिटेशियस पीरियड में एक उल्का पिंड मैक्सिको का जहां खाड़ी है, आज मैक्सिको की खाड़ी, वहां टकरा गया, जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर प्रचंड सुनामी आई, यानी कैटास्ट्रोफिक सुनामी, और डायनासोर सहित अनेक बड़े बड़े जीवों का अंत हो गया। कई किताबों में बाद में लिखा जाता है, लेकिन जनरली जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जब वो सुनामी आई तो लगभग सारे डायनासोर समाप्त हो गए। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया बहुविकल्पी प्रश्नों में कि डायनासोर का अंत कब हुआ, तो क्रिटेशियस में कारण क्या था, उल्का पिंड की टक्कर। अब देखो ट्रियासिक में एक अद्भुत जीव आया जो आज भी है, और यहां से अब हमारी और आपकी उत्पत्ति की शुरुआत हो जाएगी, यानी हमारे समूह आने लगेंगे, और इस जीव का नाम है एकीडना। एकीडना
जिसको हिंदी में हम लोग चीटी खोर बोलते हैं, चीटी खोर, और ये आज भी दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अभी दक्षिणी अमेरिका में जो आग लगी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में जो आग की घटना घटी थी, उसमें इनकी प्रजाति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एकेडना या चीटी खोर, इनकी लंबी लंबी जीवा होते हैं और बिल में जीवा को डाल देते हैं, टंग उसमें से दीमक चीटी वगैरह को खाते हैं। हाँ, प्लेटीपस, प्लेटीपस भी इसके साथ का है। तो इसको कहा गया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, समझ जाना, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। कहने का मतलब स्तनधारी, अरे सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की ये क्या है, संयोजक कड़ी है, क्योंकि इसकी माता अंडा तो देती है लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो अंडा देना स्तनधारियों का क्या है, अंडा नहीं देते, एक लिंग नहीं होते, वो क्या होते हैं, न्यू यंग को क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन ये अंडा भी देता है, देती है सॉरी, और अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। तो यही से स्तनधारियों का क्या हुआ, उदय अभ्युदय, कहने का मतलब एक तरह से उद्भव हुआ, एवोल्यूशन शुरू हुआ, विकास। और यहां तक जाते जाते जुरासिक में एक जंतु आया जिसके नाम एक देश में काफी प्रचलित है, लेकिन उस समूह को नाम दिया जाता है मार्सुपियल्स। क्या नाम देते हैं, मार्सुपियल्स, जिसमें आएगा कंगारू। क्या आएगा, कंगारू, और इसका एक साथी है तथा कोआला। इनकी भी बहुत ज्यादा हानि हुई ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये वहां भी बहुत ज्यादा मात्रा में वही पाए जाते हैं। मार्सुपियल समूह में कौन आ गए, कंगारू एंड कोआला, जो अर्ध विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू को देखा होगा, कंगारू की मादा अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देती है और कुछ महीने तक उसके पेट के अंदर एक पाउच होता है, बाहर उसमें रखती है। क्लियर, तो यहां तक आ गया। अब आप जश्न मनाने के, और सॉरी यहां तक आ गया। यहां एक और भी एक अद्भुत जानवर का जीवाश्म मिला, जंतु का, जिसको नाम दिया गया आर्कियोप्टेरिक्स। हिंदी में भी लिख दें आर्कियोप्टेरिक्स। ये मान लो उड़ने वाला डायनासोर, ये उड़ने वाला था और यही से माना गया कि पक्षियों का उदय हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। क्या, बर्ड्स यानी सरीसृप तथा पक्षियों के मध्य की संयोजक कड़ी, वो कौन हुआ, आर्कियोप्टेरिक्स। अभी आ गया। अब यहां तक जाते जाते यहां पर एक अद्भुत जानवर आया जिससे लोग घृणा करते हैं, और वही है वास्तविक प्रथम स्तनधारी, रियल फर्स्ट मैमल, एंड नेम इज श्री, जिसको बोलते हैं छछुंदर। चूहे के जैसा होता है, नाली में पाया जाता है, काफी प्रतिरोधक क्षमता होती है, थोड़ा भी जानवर आगे या शत्रु तो बदबू देने लगते हैं। सांप छछुंदर की कहानी सुना है, तो वही वाला छछुंदर। तो ये है प्रथम, जो ये छछुंदर है प्रथम वास्तविक स्तनधारी, यानी हमारा पूर्वज स्तनधारियों का प्रथम वास्तविक फर्स्ट रियल स्तनधारी, फर्स्ट रियल मैमल, नेम इज श्री, एंड इवॉल्व्ड इन द क्रिटेशियस पीरियड। क्लियर, ये हो गया। हलचल चल रही थी, यहां
डायनासोरों का प्रभाव है, टायरेक्स से लेकर सब लोग डायनासोरस से लेकर आ गए, अंत हो गया यहाँ। यहाँ क्या आ गया? चीटी खोर, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स, यानी सरीसृपों के मध्य, सरीसृप और स्तनधारियों के मध्य की कड़ी चीटी खोर, और सरीसृपों और बर्ड की यानी जो पक्षी होती है उसके मध्य की कड़ी आर्कियोप्टेरिस। इस समय मार्सुपियल्स आ गया, कंगारू सा भी चर्चा में पूछे जा सकते हैं। फिर प्रथम वास्तविक स्तनधारी कब आया? छछंदर के रूप में, आज भी ये नाम है। कहां पर? क्रिटेशियस में। डायनासोरों का अंत के लिए उत्तरदायी क्या था? एस्ट्रॉइड के कोलिजन किसके? पृथ्वी से। तो ये हो गया। अब देखो इसी समय चौथी हलचल शुरू हुई, इसका नाम अभी यहां मैं लिख दे रहा हूं, हलचल का नाम है अल्पाइन ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस यानी अल्पाइन हलचल, अल्पाइन हलचल, अल्पाइन हलचल जो आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्रेटेशियस में शुरू हुई और आज से 25 लाख वर्ष पूर्व शिवालिक के निर्माण के समय तक प्लियोसीन युग में समाप्त हो गई। इस हलचल के कारण ही हिमालय सहित विश्व के सारे नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। साथ ही इसी हलचल के कारण या इसी हलचल के दौरान अफ्रीका और भारत का विभाजन आरंभ होता है, जो अगले पीरियड में हम देखेंगे। अब इतना आपने कर लिया, इसके बाद हम जाएंगे सेनोजोइक नियोजोइक की तरफ। क्लियर? इरेज कर दूं? ठीक है, हाँ ले लो, कोई बात नहीं। अब हम जाएंगे सेनोजोइक की तरफ, आधुनिक है। सेनोजोइक की तरफ हम मूव करेंगे, जो आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और आज तक जारी है। कुछ लोग ने नाम दे दिया नियोजोइक बाद वाले को, लेकिन अभी हम देखेंगे। एंड फोर्थ इज द सेनोजोइक इरा। ये आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से शुरू हुआ और आज तक क्या है, टू टुडे, या ऐसे लिख ली आज तक जारी है। अब इस एरा को हम दो पीरियड में डिवाइड कर देंगे, इसमें दो का मतलब कल्प में। यही ले लेते हैं और इसको यहां कर लेंगे। ये नाम बताया था टर्सरी, क्या नाम देंगे? टर्सरी पीरियड यानी तृतीय कल्प, टर्सियरी पीरियड। और ये है क्वार्टरनरी पीरियड, जिसको नियोजोइक बाद में नाम दे दिया गया। अब इसका काल अगर हम मानते तो वैज्ञानिकों ने बताया लगभग 6.5 करोड़, यानी आज से 25 लाख वर्ष पूर्व। अब इसको हम क्या करेंगे, कई इपोक में बांटेंगे। यहाँ से पीरियड लिख लिया, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा, ठीक है? टर्शियरी पीरियड आप समझ जाएं, पी लिख दिया यहाँ पर। अब ये यहां तक दिख रहा है क्या? चलो थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, आप समझ जाना। यहां से ले लेते हैं टर्शियरी पीरियड। अब इसको हम बांट देंगे 5 में, 1 2
3, 4 and 5 ठीक। तो यहां भी हम नीचे से ऊपर चलेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 ठीक। तो पहला नाम क्या लिखा लिखा था बोले हाँ पैलियोसी, क्या लिखे पैलियोसी इओसीन ओलिगोसीन ओलिगोसीन ये पहले लिख चुका हूं याद है। फिर इसके बाद मायोसीन एंड प्लियोसीन ठीक। अब देखो अल्पाइन हलचल जो वहां शुरू हुई क्रिटेशियस में, ये मान लो इधर से हमने लिया तो यहां तक ये क्या है जा रही है, कहां तक अल्पाइन ओरोजिनेसिस जा रही है अल्पाइन ओरोजिनेसिस, चलो हिंदी में लिख लें अल्पाइन हलचल। इस हलचल के कारण ही हिमालय सहित विश्व के सभी नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी समय अफ्रीका भारत से अलग हुआ, एक दरारी उद्भेदन हुआ ज्वालामुखी ने फिशर इरप्शन ऑफ वोल्केनो, उससे मैग्मा निकला और अलग हुआ, और अफ्रीका और भारत का जो अलगाव है यहां तक हुआ, कहां तक इओसीन तक, इओसीन तक। अफ्रीका और भारत का अलगाव कहां तक हुआ याद करें इओसीन तक, उससे जो मैग्मा मिला उसी के फैलाव के कारण और परिवर्तन के कारण दक्षिण के लावा के पठार का निर्माण हुआ। क्लियर। अब हलचल जारी है, उत्थपन की प्रक्रिया पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हिमालय में जो टेथिस सागर में वो तो क्रिटेशियस में ही शुरू हो गई, लेकिन आते आते जो हिमालय ऊपर दिखा पहले ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय इओसीन से पहले दिखा। ट्रांस हिमालय बोले तो काराकोरम लद्दाख जास्कर, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में यानी वर्तमान का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर दो लेंगे, तो यहाँ से यहाँ पर जो उत्पन्न हो गया इओसीन से थोड़ा सा बाद में क्या हुआ ट्रांस हिमालय, क्या हुआ ट्रांस हिमालय जो काराकोरम है ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो गई। ओलिगोसीन में महान हिमालय ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय कब आया ओलिगोसीन, मिडिल हिमालय मायोसीन ठीक, और शिवालिक आ गया किसमें प्लियोसीन में, और इसके निर्माण होते ही चौथी हलचल शांत हो गई। अब पशु पक्षियों की बात करें तो यहां तक आते आते देखो अधिकतर जीव जंतु जो शाकाहारी मांसाहारी आ चुके हैं, इओसीन में घोड़ा आ गया, हाथी भी आ गया, सुअर के पूर्वज भी आ गए, पुच्छहीन बंदर आ गया ओलिगोसीन तक जाते जाते, और मायोसीन तक आते आते वन मानुष अपने स्वरूप में आ चुका है, या इसको बोलेंगे एपमैन, और प्लियोसीन तक आते आते उसमें सुधार हो रहा है। अब देखो इस समय हलचल के कारण विस्फोट का दौर है, बड़ी मात्रा में ज्वालामुखियों का विस्फोट चल रहा है, और उस विस्फोट के कारण आसमान पर धूल राख इत्यादि का क्या हो गया जमाव होता है। सूर्य का प्रकाश की तीव्रता, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता में यानी सूर्यातप में कमी आ जाती है, और धीरे धीरे हिमयुग का क्या होता है आगमन होने लगता है। तो ये स्थिति आपने देख लिया, घोड़े वगैरह आ गए, यहाँ एप मैन की बात में कर रहा था मानव विकास की तरफ, यहाँ तक हम आ चुके हैं, चौथी हलचल अब समाप्त हो चुकी है। जो भारत से अफ्रीका का विभाजन इओसीन तक हो चुका था, जिसे दक्षिण के लावा का पठार हुआ, तब से भारत लगातार उत्तर पूर्व की ओर कुछ सेंटीमीटर कुछ के दर से प्रतिवर्ष निकल रहा है, जिसका प्रतिफल क्या हुआ आया और टकराया और क्या बन गया हिमालय। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो टेथिस सागर में हिमालयी तंत्र का विकास शुरू हुआ, विकास का क्रम ये है, अभी भी क्या है एक खिसकाव जारी है। अब यहां तक आ गए, इसको मैं मिटा दूंगा, हो गया ना आपका। अब टर्सरी पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्लियर मिटा दूं। अब देखो जैसे
क्वार्टरली पीरियड को कई जगह नियोजोइक का नाम दे दिया गया। तो राइटर सर आखिर जो लोग हैं इनको हम नाम दे सकते हैं नियोजोइक इना, कई जगह नाम दिया, लेकिन इसको हमने बांट दिया दो भागों में। एक है प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन, और ये है होलोसीन। कौन सा है? होलोसीन। ये 25 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ और ये शुरू हुआ आज से, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के विद्वानों ने बताया 11,000 BC, यानी आज से 11,000 ईसा पूर्व पहले ये शुरू हुआ और यहीं से मानव ने सभ्यता शुरू की। अब इसकी बात हम करते हैं। जैसे बताया कि उस समय विस्फोट का दौर है, धूल राख छा गए, सूर्यातप की कमी हो गई और धीरे 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 पूरे विश्व में सूर्यातप की कमी के कारण हिमयुग का क्या हो गया? आगमन हो गया। यानी हिमयुग का जब आगमन हो गया तो महासागर के साथ साथ जितने भी जो आंतरिक भाग में झील या नदी थी सब जम गई। तो हिमयुग का आगमन होते ही जंगल भी समाप्त हुए हिम के कारण, और मानव जो था उस समय का उसका पदार्पण अब हो गया कहां पर? मैदानों में, और मैदानों में पहुंचते ही वो अपनी सभ्यता को शुरू कर दी। तो ये वास्तव में है आइस एज, आइस एज हिमयुग। और इसमें हुआ क्या कि ये मानव जो है भोजन की कमी हो चुकी थी, तो कहा गया एक हाथी के जैसा जानवर था, देखा भी होगा मैमथ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा कि यूपीएससी में पूछा, आरपीएससी, कई भी कमीशन में, कि हिम काल में या हिमयुग में जो मैमथ था उसका अंत कैसे हुआ, हिमयुग में मैमथ का अंत कैसे हुआ? तो शिकार के द्वारा, तत्कालीन जो मानव थे उनका शिकार कर उनको समाप्त कर दिए, खाने के उपयोग में ले लिया, उनकी चर्बियों का भी उपयोग किया। अब देखो यहां होता क्या है कि अलग अलग हिमयुगों का आगमन, को हिमयुग को इन लोगों ने क्या किया, जो अपने भूगोलवेत्ता है या भूगर्भवेत्ता, तो यूरोप के हिमयुगों को चार भागों में बांट दिया। अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पहले यूपीएससी में पूछ चुका है कई स्टेट यूपीएससी, इनका क्रम बताओ। तो यूरोप के जो हिमयुग हैं उनका क्रम है गुंज, गुंज, मिंडल, रिस और ओन। इनका क्रम पूछा गया, गुंज, मिंडल, रिस और ओन। ये कई बार पूछा गया। उत्तरी अमेरिका में भी इसी प्रकार से हिमयुगों का बंटवारा किया गया, तो वहां की अमूमन जो लिखा गया है उसके स्टेट का नाम कर दिया गया नेब्रास्का। ये यूरोप के हिमयुग हैं, कहाँ हैं? यूरोप के। अब ये नॉर्थ अमेरिका के मैं ऊपर ले ले रहा हूँ, नेब्रास्का वहां का राज्य है, नेब्रास्का। इसके बाद इलिनियन ऊपर थोड़ा लेता हूँ, नेब्रास्का थोड़ा सा गैप छोड़ना, इलिनॉइस, कांसान, कांसा भी लिखते हैं कांसान, और आयोवा या एंड विस्कॉन्सिन, सारे विस्कॉन्सिन। ये हिमयुगों का नाम है। कहां पर हिमयुग है? उत्तरी अमेरिका में। और तीन चार, और इन हिमयुगों के बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड आए, अंतर हिमयुग आए, तो उनका भी वहां पर नामकरण कर दिया गया। पहला जो है उसका नाम दिया गया अपटोनियन, अपटोनियन, इसका एलेनाइन और कांसान के बीच का नाम है यारमाउथ, अच्छा नाम है, और इसका नाम रख दिया गया संगामेन, संगामन। तो ये याद कर लेंगे आप इसको,
इसमें यूरोप में गुंज मिंडल रीस ऊर्न का क्रम है, इसमें नेब्रास्का इलिनॉय कांसान आयोवा या विस्कॉन्सिन, और इसका इंटर हिम जो इंटर ग्लेशियल पीरियड है दैट नोन एज अप्टोनियन बिटवीन द नेब्रास्का इलिनॉय एंड एयर माउथ बिटवीन कांसान एंड इलिनॉय एंड सांगामन कांसान आयोवा एंड विस्कॉन्सिन, इनका क्रम पूछा जा सकता है। अब देखो हिम युग ओवर हुआ, मानव जो पूरा पाषाण काल में बोला गया था गया संघर्ष शुरू, और यहां तक आते आते उसने किया थी अपनी सभ्यता की शुरुआत कर दी। तो वहां से शुरू होता है स्टोन एज। अब जो मानव हमारे पास आया है उनका विकास कैसे शुरू हुआ? तो पहले मानव क्या था? चार पैरों पर, ठीक। तो जो चार पैरों पर भी झुका हुआ मानव था, खड़ा हो नहीं पाया था, उसको नाम दिया गया, ध्यान रखना अब यहां से, होमो हैबिलिस। पहला जो मानव था उसका नाम क्या रखा गया? होमो हैबिलिस, ठीक। अब ये प्रयास करता रहा और धीरे धीरे जब खड़ा हुआ तो उस मानव का नाम हमने रखा होमो इरेक्टस। क्या नाम रख दिया? होमो इरेक्टस, यानी जो खड़ा हो गया, इरेक्ट हो गया। अब वहां से विकास क्रम शुरू होता है। जो होमो इरेक्टस है पहले जावा मानव के रूप में आया, इसके रूप में जावा मानव। तो जब मानव विकास का क्रम पहचान बताएंगे तो उनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी? जावा मानव की 400 से 450, 150 सेंटीमीटर लंबा तो लगभग 50 किलोग्राम उसका वजन था। फिर पेकिंग मानव आया, हाइडलबर्ग मानव आया, अटलांटिक मानव आया, नियंडरथल आधुनिक मानव के रिश्तेदार आने लगे, और नियंडरथल 165 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बताई गई, लगभग 70 किलोग्राम वजन, और इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी एग्जैक्ट होमो सेपियंस हमारे आपके जैसा 1450 सीसी। क्रेनियल कैपेसिटी क्या होती है? कपाली गुहा, जो सोचने की क्षमता होती है। इसके बाद दूसरा मानव जो फ्रांस के क्रोमैग्नान क्षेत्र में देखा गया, नाम के फॉसिल्स दे पाया गया, तो नाम दिया गया क्रोमैग्नान मानव आउटस्टैंडिंग। उसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है हमसे ज्यादा थी 1750 सीसी, और ये मानव जो है क्रोमैग्नान को मानव का सबसे नजदीकी रिश्तेदार माना गया, और आधुनिक मानव को नाम क्या दिया गया? होमो सेपियंस। क्या नाम दिया गया? होमो सेपियंस। सेपियंस जो हम लोग हैं पाषाण काल से विकसित होते होते, अनेक जो बातें आपसे बताई गई थी सीक्वेंस के पाषाण काल में ये मानव आया और विकसित होते होते आज यहाँ तक हम आ गए। वहां एक शब्द लिया था कल के पत्थर के हथियार बनाने वाला मानव जैव विकास की परिकल्पना के साथ प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा, और इतने वर्षों में आज सूचना प्रौद्योगिकी के समाज का निर्माता बन चुका है, आउटस्टैंडिंग बन चुका है, कहने का मतलब काफी विकसित हो चुका है। तो ये क्रम शुरू हुआ। होमो सेपियंस नाम क्यों रखा गया? जीनस और स्पीसीज, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे जीनस है स्पीसीज है, हालांकि दो बार सेपियंस सेपियंस लिखा जाता है अब होमो सेपियंस। तो वैज्ञानिकों के अनुसार मानव का प्रथम उदय जो हुआ था फॉसिल्स के बाद वो अफ्रीका माना जाता है, और जो मानविकी के विद्वान है, कहने का मतलब जो ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के विद्वान है जैसे ग्रिफिथ टेलर साहब लोग, उनका मानना है कि पश्चिमी एशिया में जन्म हुआ। कीथ डर्ट जैसे लीकी जैसे जो वैज्ञानिकों का नाम है, कीथ डर्ट लीकी जैसे विद्वानों का मानना है जो बायोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि मानव का उदय तो अफ्रीका में हुआ था, और उनके अनुसार पहली जो मानव का अवशेष पाया गया इथोपिया के होमो नदी में, तो नाम रख दिया गया होमो सेपियंस मींस वाइज मैन, बुद्धिमान जानवर। तो यहां तक हम आ गए। अब देखो ये क्रम है, कहने का मतलब जो विकास का क्रम हम इतिहास में देखते हैं ठीक है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से, हम कैसे आए। तो कहने का मतलब 4.6 अरब वर्ष पूर्व भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर। फिर 3.6 बिलियन ईयर एगो जीवन आया, जीवन एक कोशिकी था, सिंपल था, धीरे धीरे विकास का क्रम होता गया और आज का मानव बन गया। तो ये विकास का क्रम है। अब हर लेवल पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने क्या देखा, हर लेवल पर समझाने की कोशिश की गई, भूगर्भिक हलचलें हुई, कौन कौन सी भूगर्भिक प्रक्रियाएं हुई, चार हलचलें आपको बता दी गई,
प्री कैम्ब्रियन या अलगोमन या चर्नियन, फिर कैलिडोनियन, फिर हसीनियन, अल्पाइन। और विकास का क्रम ऐसे चलता गया कि कब एक कोशिकी से बहुकोशिकी, बहुकोशिकी में ऋण वाले जंतु कब आया, वर्टिब्रेट कब आया, बिना जबड़े वाली मछली, फिर मछलियों का युग कौन है, डिवोनियन। प्रथम उभयचर कब आया, डिवोनियन में। उभयचरों का युग कौन है, कार्बोनिफेरस। प्रथम सरीसृप कब आया, कार्बोनिफेरस में। नाम क्या है, सिलूरिया। ग्लासोप्टेरिस वनस्पति कब आई, कार्बोनिफेरस में आई। जलीय डायनासोर कब आया, डायनासोरों का परिवर्तन होता गया, जुरासिक में भीमकाय डायनासोर हुए, प्रभुत्व उनका था। समाप्त कब हुए, उल्कापिंड के कारण, क्रिटेशियस में। फिर ट्रियासिक में कौन आया, एकीडना। एकीडना से स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई। फिर इसके बाद जुरासिक में कौन आया, मार्सुपियल्स। फिर इसके बाद क्रिटेशियस में शुरू आ गया, जिससे क्या हुआ, स्तनधारियों का। फिर अल्पाइन हलचल शुरू हुई, अल्पाइन हलचल क्रिटेशियस से लेकर प्लेयसीन तक चलती रही। हिमालय का निर्माण कब कब किस क्रम में हुआ वो जान लिया। फिर जीवों का विकास, एपमैन कैसे आया ये आपने देख लिया। फिर हिमयुग आया, हिमयुग में विकास का क्रम चला, तो कई जगह वस्तुगत क्वेश्चन पूछा गया, यूरोप के हिमयुग, तो कुंज मंडल, ऋषिवर्ण। फिर इसके बाद ये सारी चीजें हमने ले ली, इनका क्रम। फिर ये मानव आ गया, तो एक विकास का क्रम है। और अंततः जो मानव आया, पहले कौन आया, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो जब मानव का विकास क्रम की क्लास भी एक आपकी होगी ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो उसमें हम जावा, पीकिंग, हाइडलमैन, अटलांटिक, नियरदर्थन, क्रोमैग्नन और होमोसेपियंस। तो बोला जाता है होमोसेपियंस मानव का सबसे नजदीकी रिश्तेदार कौन है, रिलेटिव, वो है क्रोमैग्नन। तो जो पाषाण काल में हम चले थे, पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, वहां से जब इंडस सिविलाइजेशन, तो ये विकास का एक क्रम होता है। तो इसको आप कर लेंगे कल कहने में, तो नेक्स्ट क्लास में इनको थोड़ा सा आपको बैकअप देते हुए आगे चलेंगे। और हमारा मूल मकसद क्या है आपको पता है, इसको याद रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।